में अगर इन लोग को आप 50,000 सैलरी दे रहे थे और इनको इंडिया में ले आके 30,000 भी दीजिएगा महीना का, तो ये खुश रहेंगे। कौन चाहता है कि विदेश में जाके काम करना, वहां पे आपका लाख रुपया भी दे और हिंदुस्तान में अपने देश में रह के कोई 30,000 भी दे, तो यार देश से किसको प्रेम नहीं होता है। जो गाय भैंस जिस खूंटा में बांधी जाती है उसको अपने खूंटा से प्रेम होता है। दिन भर कहीं भी रहेगी आवारा पशु, शाम को अपने यहाँ चली जाती है। तो गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसका केवल और केवल एक रास्ता है, विदेशी कंपनियों को एकदम से घुसा दीजिए इंडिया में। कह दीजिए कि भैया हम तुमको एक साल के लिए जीएसटी नहीं लेंगे, हटाओ यार ये सब चीजें। जीएसटी जान ले लेता है ससुरा, 28% ठोक देता है शुरू में ही, सोचिए कितना ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट को एक स्पेशल स्कीम निकालना चाहिए ताकि वो इन जो रोजगार जो स्किल्ड वर्कर है इनका भविष्य खराब ना हो सके, क्योंकि इन्हीं के भविष्य पे हमारा देश का भविष्य है। कोई ट्रेन थोड़ी चलता है यार, ट्रेन के चक्के चलते हैं। तो हम आप ये वर्कर्स हम सब इस भारत रूपी ट्रेन के चक्के हैं। अगर एक से भी चेन पुलिंग होगा ना तो पूरी ट्रेन पर असर पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे।